अस्सलाम वालेकुम और पाक व्हील में आपका स्वागत है। आज हम जिस गाड़ी का रिव्यू करने जा रहे हैं वो है होंडा सिविक। तो उसके मालिक से ये कौन सा वेरिएंट है, रेंट पे नहीं है, मुझे खुद नहीं पता। रुको जरा, गाड़ी को यहाँ धुलवाने आए हैं इस पेट्रोल पंप पर, लेकिन जब भी आते हैं ना यहाँ रश बहुत ज्यादा होता है। दो गाड़ियाँ, तीन गाड़ियाँ ऑलरेडी खड़ी हैं, चौथी गाड़ी हमारी होगी। अच्छा, जब रिवर्स गियर लगाते हैं ना तो बैक की जो है, बैक साइड वाली, वो भी इस एलसीडी में दिखाई देता है। पोजीशन है, कितना टाइम लगेगा? दो गाड़ियां खड़ी हैं, खड़ी तो चार हैं। फुल करनी ऊपर नीचे से, बाहर से ए हाफ ए मोड भी चला दे गाड़ी अंदर ला कोई ऊपरली खोल ले। पहली है जो पीछे है बोल, चलो फिर ऐसे यूसुफ शाह रोड तो हो गई, यूसुफ शाह रोड तो हो गया आंधे में। तो अभी हम जा रहे हैं, यहाँ पर रश बहुत ज़्यादा था अगले किसी कार वाश की तरफ। तो अभी ये आगे पेट्रोल पंप है PSO वाला, तो यहाँ से पता करते हैं, अगर यहाँ से कोई खाली हुआ तो ठीक है, नहीं तो वापस यहाँ पर आ जाएंगे। टाइम भी 10 का हो गया, अभी जो टाइम हुआ है रात के प्रैंक हो गया। ये भी कार वाश है लेकिन बैठे होंगे, ये लोग जो है ना हमें देख रहे हैं, बैठे हैं, कोई नहीं, यहाँ भी कोई नहीं, छुट्टी पर। बदकिस्मती से ये यहाँ से भी नाकाम। और पेट्रोल पंप्स पर जो है ना पेट्रोल बिल्कुल नहीं मिल रहा, ये आप देख सकते हैं। 293 रुपये और पेट्रोल की जो नई प्राइस है 293 फी लीटर। अब वापस हम दोबारा उसी पंप पर आ गए हैं जहाँ से गए थे, जहाँ पर तीन गाड़ियाँ पहले खड़ी थी। तो इसके सिवा हमें कोई और नहीं मिल रहा कार वॉश सेंटर। ये देखें लंबी लाइनें लोगों की पेट्रोल पंप पर। गाड़ी हमने धुलवाने दे दी है, अब हम जा रहे हैं किसी हमाम वाले के पास। कोई आखिरकार एक हमाम हमें मिल गया है खाली, यहाँ पर कोई नहीं, ये हमाम वाला भी नहीं बैठा। अब हम आगे जा रहे हैं किसी और हमाम वाले का। एक सामने हमाम है उसके पास। तो अली ने कटिंग करवा ली है, इत्तेफाकन से जो हमाम वाला था वो फरूस के गांव से था, फरूस की रेड़ी लगी हुई है। पता नहीं आप नीले शापर क्यों आते हैं। इकबाल सन, ये गाड़ी जो है ना लाहौर जाने के लिए तैयार खड़ी है। इधर भी इस तरफ भी लाहौर इंशाल्लाह। पेट्रोल पंप पर हम गाड़ी खड़ी करके आए थे, वो तकरीबन 1 किलोमीटर दूर है। 1 किलोमीटर दूर यहाँ हमें हमाम मिला है, वहाँ से इसने कटिंग करवाई है। अब हम वापस जा रहे हैं गाड़ी के पास। अभी जो है ना उम्मीद तो है गाड़ी हमारी जो है ना वाश हो चुकी होगी। तो गाड़ी जो है वॉश होकर निकल आई है, अब जो है ना इसको खुश करेंगे, ऊपर से कोई हवा वगैरह मारेंगे गाड़ी को खुश करने के लिए। टाइम जो हुआ है रात के 9:52 हो गए हैं, 10 बजने वाले हैं, तो तकरीबन हमें 1 घंटा लग गया है। कि अभी एक गाड़ी लाहौर से आई है, तो रिक्शे वाले चेक करें किस तरह मक्खियों की जरा पिन पिन आ रहे हैं सवारियों के इर्द गिर्द। कार वाश के कितने पैसे हैं? 600 रुपये। बिल्कुल न्यू हो गई, आप कार की चमक चेक करें। जो अभी एक और हमारा काम मेन रहता है वो ये है कि इस गाड़ी का जो, जिसको हम स्टेपनी बोलते हैं, 5वां टायर जो होता है एक्स्ट्रा होता है, उसका पेंचर लगवाना है। अभी वो पेंचर लगवा के एक और बहुत बड़ा ज़रूरी काम है, अल्लाह करे वो आज हमारा हो जाए और वो बंदा जो है हमें मिल जाए जो जिस काम के लिए हम निकले थे, वो आपको एंड पर बताऊंगा, पहले ये काम निपटा लें। तो यहाँ पर जो है ना वो हम पेंचर लगवाएंगे। पहले जहाँ भी जाते हैं ना वहाँ पर गाड़ियों का रश होता है,
कितना पंचर है? ऊपर जो है ना गरम जैसे इस्त्री होती है ना उसकी मदद से ये गरम करके ये पिघल जाएगा जो उन्होंने पंचर रखा है। इसी से कपड़े इस्त्री करते हैं और इसी से पंचर भी लगता है। इस्त्री का भी काम दे रही है। इधर ये ना गरम हो रहा है। तकरीबन कितना टाइम लगेगा? 10 से 15 मिनट लगेंगे इसको पंचर लगने में, इसको गर्म होने में। ये जो गाड़ियों के टायर होते हैं ना ये ट्यूब नहीं होते, ये ट्यूब लेस होते हैं। इनमें सिर्फ इस तरह पंचर लगता है। ट्यूब जैसे मोटरसाइकिल की ट्यूब होती है ना, इसमें ट्यूब नहीं होती। ये रेम और ये टायर, इसमें हवा जो है ना वो भरते हैं। रजा ब्रदर्स, रजा टायर एंड ऑयल शॉप। ये गाड़ी का भी फिल्टर साफ हो रहा है। बहुत ही जो है ना गर्दो गुबार मिट्टी वगैरह निकल रही है। ये इस गाड़ी की इसने क्या हालत कर दिया। ये गाड़ी का फिल्टर होता है ये वाला। ये इससे देख ये इधर से हवा आती है फिल्टर में, फिल्टर वो कर जाती है। ये एसी वाला फिल्टर है। ये एसी वाला फिल्टर होता है यहाँ पर, इस साइड पर ऐसे 150 पंचर दा तो 70 हवा। गाड़ी को वॉश भी करवा लिया, फिल्टर भी चेंज करवा लिया, फिल्टर की सफाई भी करवा ली और जो टायर का पंचर था वो भी हो गया। गाड़ी का काम हो गया ओके। अब जो मेन काम है वो ये है कि हमारे जो शहर में एक यूट्यूबर है उसको पास हम जा रहे हैं, तो एक लड़के से बात करनी है, उसके थ्रू उससे बात करनी है। तो वो पता करने जा रहे हैं कि वो लड़का दुकान पर है कि नहीं। फिर वो आएगा तो उससे जो हमने थोड़ी सी चैनल की अपनी प्रमोशन करवानी है, वो भी यूट्यूबर है। तो अभी जा रहे हैं हम उसके पास, अल्लाह करे वो जो है ना लड़का हमें मिल जाए, हमारा काम हो जाए, हमारी उससे बात हो जाए। वो खड़ा है वो लड़का कैब वाला गौसिया वाले। मंगवाना हमने बर्गर ही है, फिर इसको मैन्यू की इधर उधर करने की क्या जरूरत है, मैन्यू देखने की जरूरत भी नहीं है। 150-150 वाले हमने शामी बर्गर खाने शामी बर्गर नहीं था तो इसलिए हमने चिप्स मंगवाई है। ये हमारी चिप्स और ये ऊपर से काम नहीं हुआ यार भाई, काम बिल्कुल ही नहीं हुआ। मायूस होकर जा रहे हैं। वो भाई बोल रहा है वो किसी को भी शाउट आउट नहीं देता, अपने सगे भाई को भी नहीं देता। है यूट्यूबर, उसके तकरीबन 1000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर है, मोनेटाइजेशन उसकी ऑन हुई हुई है। हमदान उसका चैनल का नाम है। चलो मैं उसके चैनल की प्रमोशन कर देता हूँ, जितने भी मेरे 550 सब्सक्राइबर हैं चलो वो कर लेंगे। MH व्लॉगर्स के नाम से उसका चैनल है। तो वो बोल रहे हैं कि किसी को भी शॉर्ट आउट नहीं देता। जो भाई मिले हैं जैसे उसका भी यूट्यूब चैनल है, उसने उसको भी नहीं दिया, हालाँकि वो गहरे दोस्त हैं। बस अल्लाह बेहतर करेगा, आप ही कुछ जो है ना हेल्प कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें चैनल को मेरा, किसी न किसी तरह 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाएं। तो ये था आज का व्लॉग गाड़ी के बारे में और ये मेरा एक छोटा सा काम था। गाड़ी का व्लॉग बनाएं और सिनेमैटिक सीन ना बनाएं ये हो नहीं सकता।